हाय गाइस, मैं हूं श्याम सुंदर। नालंदा ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.5। लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो एक बात आपको ध्यान रहे, हमने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आपको बता दिया है कि अगर कोई दिया गया रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0, अगर इस प्रकार का कोई दिया गया रैखिक समीकरण है तो कब उसका कोई हल नहीं होता है, कब अद्वितीय हल होता है, कब अपरिमित या अनेक हल होते हैं, हमने इसकी चर्चा आपसे कर चुका है। एक बार हम आपको फिर से रिकॉल कराना चाहेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, क्या होता है कि जब a1/a2 ये नॉट इक्वल हो b1/b2 तो दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। यदि ये तो पहली कंडीशन रही, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और ये नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। इसी प्रकार पॉइंट थ्री हमारा ये कहता है कि जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और यह भी इक्वल हो c1/c2 के, तो इसके क्या होंगे, दिया गया जो रैखिक समीकरण है इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे या अनेक अपरिमित हल होंगे। तो आइए इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको हल करेंगे और बताएंगे कि जो दिया गया क्वेश्चन है या रैखिक समीकरण है उसमें से कौन सा हल है। अगर उसमें से अद्वितीय हल है तो उसे हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। एक बात और हमने आपसे पिछले क्लास में चर्चा कर चुका है कि ये दिए जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसको हल करने के लिए हमने आपको 5 विधियों का जिक्र किया था। पहली विधि हमने आपको बताया था ग्राफ विधि, दूसरी विधि बताए थे विलोपन विधि, तीसरी विधि आपको बताई गई थी प्रतिस्थापन विधि, चौथी विधि है वज्र गुणन विधि और पांचवी विधि हमने आपको बताया था तुलनात्मक विधि। तो ध्यान दीजिए, ग्राफ विधि आपको हमने बता चुका है, विलोपन भी बता दिए हैं, प्रतिस्थापन भी बता दिए हैं, और ये एक्सरसाइज नंबर 3.5 हमसे कह रहा है कि जो भी इसका अद्वितीय हल होगा उसे वज्र गुणन विधि की सहायता से हल कीजिए। तो आइए हम प्रश्नावली पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का में 4 क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x - 3y - 3 = 0। फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x - 9y - 2 = 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो दिया गया ये रैखिक समीकरण है इसमें से कौन सा हल होता है। तो आइए चेक कर लिया जाए। देखिए a1 की वैल्यू क्या दिया है, a1 = 1 है, b1 = -3 दिया है, c1 = -3 है।
ए टू इक्वल दिया है 3, बी टू इक्वल है माइनस का 9 और सी टू इक्वल है माइनस का 2। तो आइए देखिए, ए वन अपान ए टू यानी कि ये आपको दिया गया है 1/3, बी वन अपान बी टू दिया गया है -3/-9 अर्थात 1/3 हो जाएगा। अब ये दिया है सी वन अपान सी टू यानी कि -3 और -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो आप देख रहे हैं कि ए वन अपान ए टू और बी वन अपान बी टू की वैल्यू सेम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए वन अपान ए टू इक्वल बी वन अपान बी टू और ये नॉट इक्वल है सी वन अपान सी टू के। तो इस स्थिति में जो दिया गया हल होगा वह क्या होगा? दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आज जब दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं है तो उसे हम हल नहीं करेंगे। इसको आप नोट करिए, फिर तब तक हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अब भी देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 2x+y, इक्वेशन है 2x+y इक्वल 5। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है 3x+2y इक्वल 8। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो आइए अब हम इसको भी देख लेते हैं, चेक कर लिया जाए। देखिए a1 की वैल्यू दिया है 2, b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है 8। तो देखिए a1 अपान a2 की वैल्यू हो गई 2/3, b1 अपान b2 की वैल्यू हो गई 1/2 और c1 अपान c2 की वैल्यू हो गई 5/8। अर्थात आप देख रहे हैं कि a1 अपान a2 यह नॉट इक्वल है b1 अपान b2 के, अर्थात दिए गए रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस दिया गया समीकरण है और उसका अद्वितीय हल हो तो उसे वज्रगुणन विधि की सहायता से हल करना है। तो आइए देखिए अब इसका हल हम करते हैं। आइए इसका सलूशन देखिए। एक चीज ध्यान दीजिए कि हमको x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब इसको वज्रगुणन विधि की सहायता से हल करते हैं तो x, y और ये -1, या आप +1 भी लिख सकते हैं। -1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इक्वल दिया है 5/8। अगर इसको जब हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस नहीं रहेगा। फिलहाल इक्वल दिया हुआ है इसलिए हमने -1 लगा दिया है। तो आइए अब देखिए अब हम इसको हल करते हैं। जब हम x को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को ढक लेंगे और जो भी मान बच रहा है उसको हम x में लिख लेंगे। तो आइए देखिए यहाँ y का गुणांक 1 है तो हम लिखेंगे a, फिर ये क्या है 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5 और फिर y की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 को राइट कर लेंगे और यहाँ है 8 तो 8 को राइट कर लेंगे। इसी प्रकार अब हम y को लिखेंगे तो y के मान को ढक लेंगे, अब इन मानों को हम लिख लेंगे। तो आइए देखिए देखिए अब हम इसको नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, इसलिए कि एक क्रम में चलेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 5 और ये रहा 8 और फिर ये क्या है 2 है और ये 3 है। अब -1 को जब हम लिखेंगे अचर पद को, अचर वाले को ढक लेंगे, फिर अब हम इनके गुणांकों को लिख लेंगे। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2। फिर अब हम क्या करेंगे कि x, y और -1 के मानों को लिख लेंगे और लिखने के तत्पश्चात इसको हल करेंगे। तो आइए देखिए कैसे हल करते हैं। इस प्रकार का जो भी हो तो इसमें हम क्या बोलते हैं, सदिशों के नियम को लगाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई जब 8 में करेंगे तो 1 8 जा हो जाएगा 8
अब एक चीज और ध्यान रहे कि अब हम यहाँ पहले जो गुणा करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, और जब इसके बाद अब हम गुणा करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर होगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर गुणा करते हैं तो चिन्ह माइनस का हो जाता है, अर्थात ये हो जाएगा 2 × 10। इसी प्रकार अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15 माइनस हो जाएगा 8 × 16। फिर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 × 4, और इसको हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3 × 3। फिर अब देखिए अब हम इसको हल करेंगे, ये हो गया 1/8 में से जब 10 को घटा देंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ये हो गया y/15 में से जब 16 को घटाएंगे तो ये हो गया -1, और ये -1/4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम तुलना करके x और y के मानों को ज्ञात कर लेंगे, तो आइए देखिए हम इतने में इसको हल करते हैं। यहाँ हो गया x/-2 इक्वल, अचरों से हमेशा इसकी हम तुलना करेंगे, और अचर है क्या -1/1, तो ये माइनस का गुणा जब इसमें होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल क्या मिल गया 2। अब y की तुलना इस अचर से करेंगे तो ये दिया है y/-1 इक्वल -1/1, तो ये हो जाएगा -1 का गुणा जब इसमें होगा तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात तो y बराबर क्या मिल गया 1, यानी कि x और y के मान हमें क्या मिल गए x = 2 और y = 1। इसको आप नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलते हैं। अब आइए देखिए पहले का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, दिया है 3x - 5y = 20, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या है 6x - 10y = 14, इसको भी अब हम चेक करेंगे। तो आइए देखिए a1 की वैल्यू 3 दिया है, b1 की वैल्यू -5 है, c1 की वैल्यू 20 है, a2 की वैल्यू 6 है, b2 की -10 है, c2 की 40 है, मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा कटकर। यहाँ है -5/-10, ये भी कटकर क्या हो जाएगा 1/2, और ये c1/c2 ये है आपका 20/40, ये कटकर ये भी हो जाएगा 1/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि a1/a2 इक्वल है किसके b1/b2 के, और ये भी इक्वल है किसके c1/c2 के, अर्थात आप देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल है c1/c2, जिसके कि जब दिए गए रैखिक समीकरण के a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो तो समीकरण के अनेक हल होंगे। इसको भी आप नोट करिए, फिर तब तक हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आइए अब देखिए इसका पहले का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि x - 3y - 7 = 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3x - 3y - 15 = 0। आइए अब हम इसको भी चेक करेंगे, तो a1 की वैल्यू क्या है 1 है, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -7, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -3, और c2 की वैल्यू -15। आइए देखिए a1/a2 की वैल्यू हो गई 1/3, b1/b2 की वैल्यू -3 और ये -3 कैंसल होकर 1 हो जाएगा, और c1/c2 -7/-15, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, अर्थात 7/15 हो गया। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो दिया गया हमारा रैखिक समीकरण है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है, जब ये नॉट इक्वल b1/b2 है
तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो दिया गया रैखिक समीकरण है उसके अद्वितीय हल होंगे, और जब अद्वितीय हल होंगे तो उसको हम वज्रगुणन विधि की सहायता से हल करेंगे। तो आइए देखिए अब हम हल करते हैं। हल करने के लिए अभी हमने आपको बताया कि इसको x, ये y और ये 1 रख लेंगे। एक मिनट आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इस बार हमने -1 नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये माइनस है खुद पक्षांतर कर दिया गया है, C1 की जो वैल्यू है C2 की उसको खुद ही पक्षांतर कर दिया गया है, इसलिए यहाँ -1 नहीं लिखेंगे। इसी को अगर ये पक्षांतर करके बराबर के अगर दाहिने तरफ लिखते तो जो है कि ये -1 होता। तो आइए देखिए x को लिखना है तो x की वैल्यू को हम ढक लेंगे। हमारा बचा क्या, यहां से 3 बचा और -3 और यहां से -7, तो ये हो जाएगा -3 और -7, यहां से हो जाएगा -3 और ये माइनस का 15, यहां से हो जाएगा -7 और ये हो गया -15। अब a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो गया 1 और 3। अब अचरों को लिखना है तो हम अचरों को ढक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 3 हो गया, ये -3 और ये भी हो गया -3। अब हम इसको हल करेंगे, x हो गया, y हो गया और ये 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि जब ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो ये धनात्मक होगा, तो ये हो गया 15 * 45 और ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया प्लस का 45। अब हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और नीचे से ऊपर की ओर जब गुणा करेंगे इसलिए ये माइनस हो जाएगा, और ध्यान दीजिए कि माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 * 7 हो गया 21, तो ये 21 लिख देंगे। इसी प्रकार अब यहां भी हम गुणा करेंगे तो 7 * 3 के हो जाएगा -21 और ये माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 15 * 1 = 15। इसी प्रकार यहां भी गुणा करेंगे तो 1 * -3 में गुणा होगा तो -3 हो गया, और ये -3 और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 3 * 3 = 9। अब देखिए इसमें से हम जोड़ घटा लेंगे तो 45 में से 21 को घटाएंगे, देखिए 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का आएगा और ये हो गया वाई। -21 में 15 जोड़ेंगे चूंकि चिन्ह विपरीत है इसलिए ये घट जाएंगे, तो 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 1 में से घटाएंगे तो कुछ नहीं, ये हो गया माइनस का, और ये हो गया 1/ -3 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब हम इसको हल करेंगे तुलना करके, तो तुलना कर लीजिए। आइए हम तुलना यहां करके आपको दिखा देते हैं। ये हो गया x/24 इक्वल हो जाएगा 1/6, तो 24 का मल्टीप्लाई 1 में होगा यानी कि x इक्वल हो जाएगा 24/6 और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 * 4 = 24, x की वैल्यू हो गई 4। और अब इसको हम y वाले को तुलना कर लेंगे तो ये हो गया y = -6 = 1/6, तो x चूंकि -6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा आपका y = -6/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया -1 यानी कि y = -1। आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 मिला। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फिर अब हम मिलते हैं अगले नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक आप इसको नोट करिए। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यानी 2x + 3y = 7, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन है a - b (x) + a + b (y) = दिया है 3a + b - 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2।
हमको ज्ञात क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, और वो भी कब, जब दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तब। यानी कि ध्यान दीजिए, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसका मतलब कि a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 के इक्वल होनी चाहिए और इन दोनों की वैल्यू c1 अपान c2 के इक्वल होनी चाहिए। तो आइए ध्यान दीजिए, हम a1 अपान a2 की वैल्यू अगर लिखें तो a1 अपान a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अपान a माइनस b। फिर इसी प्रकार अगर b1 अपान b2 की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा 3 अपान a प्लस b, और c1 अपान c2 की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा 7 अपान 3a प्लस b माइनस 2। तो आइए देखिए, जब ये हमें कह रहा है कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इट मींस इसका अर्थ सीधा सा ये है कि 2 अपान a माइनस b की जो वैल्यू होगी वह 3 अपान a प्लस b के वैल्यू के इक्वल होगी, और ये वैल्यू 7 अपान 3a प्लस बी माइनस टू के इक्वल होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन करके ए और बी के मान को हम निकाल लेंगे इक्वेशन बनाकर। तो आइए ध्यान दीजिए, हम इसका तुलना अचर वाले पद से करते हैं, यानी कि ये दिया हुआ है कि टू अपान ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा सेवन अपान थ्री ए प्लस बी माइनस टू। अब हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तीन दुना के छह ए, और दो का गुणा बी में करेंगे तो ये हो जाएगा टू बी, और टू टू जा माइनस फोर इक्वल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे तो ये हो गया सेवन ए माइनस का सेवन बी। तो अब हम इनको क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, सेवन ए बराबर के सॉरी 6a इसी को बराबर के हम उधर लेकर चले जाते हैं, तो 6a बराबर के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 में से 6 घट जाएगा, तो केवल व केवल a हो जाएगा। अब फिर b वाले को भी हम पक्षांतर कर लेते हैं, ये उधर आकर दाहिने तरफ जब इसको ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7b और माइनस 2b यानी कि माइनस का 9b हो जाएगा, और इसको बराबर के इधर छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इनकी तुलना इससे करेंगे, जब इसकी तुलना इससे करेंगे अब इसको भी हम हल करेंगे। तो आइए देखिए, हम इसकी तुलना यही कर लेते हैं तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 ए, अब 3 का गुणा b में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3b, अब 3 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7a प्लस का 7b। अब हम क्या करेंगे कि a को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 9a में से जब 7a घट जाएगा तो ये केवल व केवल 2a हो जाएगा, और ये 7b बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 में से जब 7 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4b इक्वल ये माइनस 6, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में अगर हम दो की भाग दे दें तो भाग पूर्णतया कट चली जाएगी, यानी कि दो की अगर हम भाग दे देते हैं तो ये दो एक कम दो हो जाएगा, ये दो दुना के चार हो जाएगा, और ये दो त्याई छह हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे कि 3 और 4 को हल करके ए और बी के मान को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से हम समीकरण 4 को घटा देते हैं, यानी कि यहां लिख देंगे घटाने पर, जब समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो ये जो इनके चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस घट जाएंगे, तो माइनस 2b में जब 2b को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7b इक्वल हो जाएगा, और ये रहा हमारा माइनस का 4 और ये रहा माइनस का 3, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 4 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 7। जब b बराबर लिखेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अब हम b का मान या तो समीकरण 3 या तो समीकरण 4 में रखकर a का मान निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं
कि b का मान, आइए हम समीकरण तीन में रखते हैं, b का मान समीकरण तीन में रखने पर, जब b का मान समीकरण तीन में रख देंगे तो आइए देखिए क्या होता है। ये रहा आपका a माइनस नाइन, b के जगह वन रख देंगे, इक्वल हो जाएगा माइनस का फोर, तो ये हो गया a माइनस नाइन वन जा नाइन और ये हो गया माइनस का फोर, ये a इक्वल, ये माइनस नौ बराबर के इधर आकर प्लस नौ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का फोर प्लस का नाइन, तो a इक्वल हो जाएगा प्लस का फाइव, यानी कि a की वैल्यू क्या मिल गई फाइव और b की वैल्यू वन। अगर हम इस दिए हुए रैखिक समीकरण में a का मान फाइव और b का मान वन अगर रख देंगे तो यह जो रैखिक समीकरण प्राप्त होगा वह क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 के इक्वल होगा, और जो कि इसका अनेक हल या अर्थात अपरिमित अनेक हल होंगे। इसको आप नोट करिए, तब तक फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आइए अब हम देखते हैं इसी का दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए कि अभी जो हमने पहला क्वेश्चन हल किया है सेम उसी प्रकार हल करके इसके भी मान को ज्ञात करना है। वहां हमने a और b दो मान ज्ञात किया था और हमें यहाँ केवल एक ही मान ज्ञात करना है, केवल k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको आप खुद से हल कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो एक मिनट आप ध्यान दीजिए, जो दिया गया हमारा रैखिक समीकरण है ये है 8x प्लस का 5y इक्वल 9 इक्वेशन नंबर वन, और ये दिया हुआ है 3x प्लस का 2y इक्वल 4 इक्वेशन नंबर टू। इसको हम क्या करेंगे कि वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से कह रहा है। तो हमने आपको प्रतिस्थापन विधि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसके माध्यम से आप उसको हल कर लीजिएगा। हम इसको वज्रगुणन विधि के माध्यम से हल कर देते हैं। तो आइए देखिए वज्रगुणन विधि को कैसे हल करेंगे। इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा माइनस वन। माइनस वन इसलिए लिखा जा रहा है कि ये जो C1 और C2 की वैल्यू है उसको इक्वल के बाद लिखा गया है। तो आइए ध्यान दीजिए x की वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो x को मान को हम ढक लेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, यहां से मिल रहा है 5 और यहां से मिल रहा है 2, यहां से मिला 9 और यहां से मिला 4। इसी प्रकार y के भी वैल्यू को जब लिखेंगे तो हम इसको ढक लेंगे, बचा क्या, यहां से बचा 9, यहां से 4 और ये वैल्यू क्या मिली 8 और 3। अब अचरों को लिखना है तो अचर को ढक लेंगे तो क्या बचा, यहां से 8, यहां से 3, यहां से 5 और यहां से 2। फिर अब हम इसको हल करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, और जब नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे तो माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा 2 9 18। फिर इसी प्रकार अब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 के 27 और ये हो जाएगा 4 8 32 और ये हो जाएगा 8 2 9 के 16 और ये हो जाएगा माइनस का 3 5 15। अब इसको हम लिख लेंगे, तो आइए देखिए 20 में से जब हम 18 को घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 27 में से 32 को, यानी कि अब ये 32 में से 27 घटेगा तो 12 में से 7 घटा लेंगे तो हो जाएगा 5 और 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा अर्थात ये हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार 16 में से जब 15 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, तुलना करके x और y के मान को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखिए ये रहा x अपान 2,
इक्वल माइनस वन अपान वन। तो दो का गुणा जब माइनस वन में हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल माइनस टू, एक्स का मान मिल गया। अब हम इन दोनों का तुलना कर लेंगे तो ये हो गया वाई अपान माइनस फाइव इक्वल माइनस वन अपान वन। तो माइनस फाइव का गुणा जब माइनस वन में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं बल्कि प्लस का फाइव होगा, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल फाइव। इस प्रकार हमें ये वज्र गुणन विधि की सहायता से एक्स और वाई का मान मिल गया। तो एक मिनट दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि ये हमने एक्सरसाइज नंबर 3.5 का ये तीसरा क्वेश्चन आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कि 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये इबारती क्वेश्चन है, तो इसको हम आपको अगले वीडियो के साथ लेकर मिलते हैं। आप इसको नोट करिए और तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।